أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में आखिरी 10 रोज़ों में जो हमारे लिए एक ख़ास रात रखी वो है लैलतुल कदर की रात। अल्लाह पाक फरमाता है कि इस रात में फरिश्ते और जबरील अलैहिस्सलाम हर काम के लिए उतरते हैं। हज़ार महीनों से अफजल है ये रात और इसका वक्त तुले आफ्ताब तक है। सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स था, उसकी 1000 माह उम्र थी, सारी रात वो इबादत किया करता था, सारा दिन उसका घोड़े पे ज़िंदगी गुजरती थी, वो तो हमारे से अफजल है, इबादात में भी हमसे अफजल है, उम्र में भी हमसे ज़्यादा है, तो वो तो हमसे सबकत ले गया। आपकी उम्र, आपकी उम्मत सबसे अफजल है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को खुशखबरी सुनाई, ऐ सहाबियों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह पाक ने शबे कदर नाजिल फरमाई, लैलतुल कदर। आप फरमाते हैं कि आखिरी 10 रोज़ों में इसे तलाश करो ताक रातों में। नाज़रीन, यहाँ बात काबिले गौर है कि हज़ार महीनों से अफजल क्यों कहा। हज़ार महीने तो दे दिए, हज़ार महीनों से अफजल, और कितना अफजल ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि उसकी 1000 महीनों की इबादत थी। अल्लाह ने ये देखते हुए इसको अफजल करार दे दिया ताकि उससे भी ज़्यादा बरकत हासिल हो। लैलतुल कदर की रात 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं, 27वीं, 29वीं, 5 ताक रातें। तो जो दिल जोई से इस उम्मीद पर कि अल्लाह की बारगाह में उसको लैलतुल कदर की रात नसीब हो जाए, सबसे पहले माफ़ी मांगे। अगर आपने गीबत की है तो अल्लाह के यहाँ इस्तग़फ़ार करे, या अल्लाह मैंने जिसकी भी गीबत की है या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और आजकल तो माशाल्लाह मोबाइल सिस्टम है और सबको मैसेज कर दो कि जी मैंने अगर आपके ख़िलाफ़ कोई गीबत की है, कोई चुगली की है, मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, तो माफ़ कर दें। ये एक छोटा सा मैसेज है, आपको सबको सेंड कर दें। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए अल्लाह उसके दिल में कोई बात डाल दे। आओ अपनी तसल्ली के लिए, इंसान है ना, इंसान से रोज़ाना न जाने कितनी बार गीबत होती है, और गीबत तो ऐसी चीज़ है कि जैसे उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। तो जिसने गोश्त खा लिया उसने हराम खा लिया, जिसने हराम खा लिया 40 दिन उसकी ज़बान नापाक रहती है। जब आपकी ज़बान ही नापाक होगी, आपका वजूद ही पाक होगा, तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी। जबकि आपके दिल में बुग़्ज़ है, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, आपके दिल में किसी के लिए बुराई है, तो फिर ये लैलतुल कदर की रात आपके हिस्से में नहीं आ सकती। इस दिल को हर बुराई से पाक कर लो, सबको माफ़ करो, अपने दिल को शीशे की तरह पाक कर लो, फिर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और आज ही से
मोहब्बत से, प्यार से, इस उम्मीद पर कि अल्लाह पाक आपको वो नज़ारा कराए जिसके लिए आप बैठे हैं। नाज़रीन, यहाँ बात एक काबिले गौर ये है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तलाश करो। या रसूलल्लाह, कहाँ तलाश करें? दाएं बाएं आगे पीछे कहाँ इसको देखें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इब्राहीम, क्या तुझे यकीन नहीं? हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, यकीन तो है पर मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ अपने दिल की तस्कीन के लिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ठीक है, चार परिंदे ले आ और उनके नाम रख, उनको अपने आप से हिला, फिर उनको ज़िबा कर, ज़िबा करके उनको गोश्त मिक्स कर दे, चारों पहाड़ियों की चोटी पे रख दे, नाम लेके पुकार, वो तेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। जब ये नज़ारा देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन आ गया। यकीन तो पहले ही बहुत था लेकिन एक मुशाहदा किया उन्होंने। तो मुशाहदे के तौर पर मैं आपको एक ख़ास अमल देना चाहता हूँ, वो ये कि आप एक बर्तन लें, मिट्टी का कोरा प्याला लें, उसको पानी से भर लें, उसमें दो अखरोट डालें और अखरोट आप अपने सामने रख लें, वो मिट्टी का प्याला आप सामने रख लें और आपकी नज़र उस पर रहे, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। एक बजे के बाद का ये अमल शुरू होता है। जिस वक्त वो अखरोट आपस में टकराएं, हिलें, जुम्बिश पैदा हो, बुलबुले उठें या पानी में हरकत हो, बस समझ लो कि वो लम्हा, वो घड़ी लैलतुल कदर की रात की है। ये एक मुशाहदा मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा कि जिस वक्त लैलतुल कदर की रात उतरती है तो इंसान की कैफियत बदल जाती है, उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही लम्हा होता है दुआ करने का। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि तमाम फरिश्ते जबरील अलैहिस्सलाम हर काम के लिए उतरते हैं। अब इसकी वजाहत बहुत दूर चली जाएगी, इतना समझ लें कि वो हर काम के लिए उतरते हैं। आपके जो मन में है, जो आप सोचें, बस उसी काम के लिए वो आप उतर रहे हैं। कोई बे औलाद है, किसी को औलाद नहीं हो रही, ये अमल करे। किसी की शादी नहीं हो रही, उम्र गुजरती जा रही है, ये अमल करे। जैसे ही खरोट हिलें आप समझ लें कि आपको लैलतुल कदर की रात नसीब हो गई, उसी वक्त हाथ उठाएं और दुआ करें। दूसरा ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अखरोट वगैरह नहीं भी हिलते, तो वो मायूस ना हो। उस लम्हे जहाँ भी कहीं कोई लैलतुल कदर की रात जिसको नसीब होगी, उसका हिस्सा आपको मिल जाएगा। उस लैलतुल कदर की रात में आपका हिस्सा मिल जाएगा, आप शामिल हो जाएंगे, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आप अपना दिल को मुतमईन करें कि बस ज़रा सी दिल में आपकी हलचल मची, आपके पसीने आए, घबराहट होगी, परेशानी होगी, थोड़ी सी आपकी बेचैनी होगी, वो बेचैनी घबराहट सारी उसी तजल्लियात की होगी जो अल्लाह पाक उतार रहा होगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलि सहाबी अजमाईन बिरहमतिक या रहमर रहीम।